बिहार में गंगा, कोसी समेत सभी सहायक नदियां उफान पर है। यही वजह है कि अब जो गंगा है शहरी क्षेत्र में भी प्रवेश कर रही है। ये देख सकते हैं, ये इलाका शहरी क्षेत्र का है, भागलपुर शहरी क्षेत्र का, और यहाँ पर गंगा जो है प्रवेश कर चुकी है। दूसरे फ्लोर में पानी आ चुका है। लोग जो है पहले फ्लोर पर आ चुके हैं और अपना आशियाना जो है छत पर जमा चुके हैं। इसके बाद जो है जो जिला प्रशासन के शिविर लगाए गए हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के जो शिविर हैं वहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण एरिया के लोग हैं, जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी जिला प्रशासन के लोग जो हैं अब शिविर लगाएंगे, जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं शिविर लगाएंगे। लेकिन यहाँ की बात करें तो ये इलाका आप देख सकते हैं, ये इलाका हम दिखाना चाहेंगे, बुढ़ानाथ का इलाका है। यहाँ पर मंदिर है, किस तरह से बुढ़ानाथ मंदिर के पीछे शहरी क्षेत्र का ये पूरा इलाका है। यहाँ पर गंगा प्रवेश कर चुकी है। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी होती रहेगी। ये बुढ़ानाथ का इलाका आप देख सकते हैं पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ऐसे हालात 2016 और उसके पहले जो कहा जा रहा है कि 1971 में ये हालात बनते थे। हमारे साथ हैं नाव वाले हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये हालात ऐसे कब, हालात ऐसे थे, ये स्थिति कब थी, ऐसे हालात ऐसे 71 में था, 71 से भी पार कर रहा है। 71 में ये स्थिति थी, शहर के तरफ पानी घुस रहा था, उससे भी आप एकदम पार कर रहा है। 71 वाला को भी फेल कर दिया है, पूरा हालत खराब है। आदमी सबका क्या करेगा। लोग दिन भर गंगा में ही रहते, दिन भर गंगे में रहते हैं, आते जाते हैं। बोर में हमारे सब यहीं इलाज करा के फंडेंगी भी लग जाते हैं, आते हैं। क्या अनुमान है कितना पानी रोज बढ़ रहा है? लगभग पानी बढ़ रहा है 6 इंची 7 इंची डेली बढ़ रहा है, रात दिन में लगातार बढ़ रहा है। घटने का कोई साधन नहीं बुझा रहा है, लगातार वृद्धि जाइए रहा है। नाविक थे इनका, जैसा कि इनका सुना आपने कि लगातार 6-7 इंची रोज रात दिन गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और गंगा जो है अब धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ चुकी है। शहर का जो निचला इलाका है, जो घर है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। यही हालात अगर लगातार बने रहे तो हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो शहरी क्षेत्र के भी जो लोग हैं, वो भी अब पलायन करने को विवश हो जाएंगे। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। फर्स्ट फ्लोर डूब चुका है, दूसरा फ्लोर पर हम लोग अरे हुए हैं, इसमें भी पानी घुसने की संभावना है। हो सकता है कि हम लोग को 1-2 दिन में सामान लेकर छत के ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरा फ्लोर पे है अब, दूसरा फ्लोर पे है। इससे कितने दिन से ये फंसे हुए? हो गया करीब 1 हफ्ता। दूसरे फ्लोर पर भी पानी चढ़ गया, दूसरा फ्लोर पर भी पानी चढ़ गया। सामने सब पानी ही है। ऐसा कभी हुआ था? अभी नहीं हुआ था, 2016 में हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना अभी है। अच्छा, नगर निगम प्रशासन अभी कोई कुछ नहीं आया है, कोई ना आया है पूछने के लिए, ना देखने के लिए। खाना पीना बाहर इतना पानी में जा रहे हैं, छाती के पानी ऊपर जा रहे हैं। अभी जैसे आप कुछ राशन पानी लेने के लिए जा पाते हैं? पानी में हेल के जाना पड़ता है, नहीं तो होम डिलीवरी मंगाना पड़ रहा है। क्या नाम है? सच्चिदानंद सिंह।